हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पायरों को। मैं आपको स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ रघुनाथ और इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक्चुअली मेरा मैथमेटिक्स पायरों को नाम से एक संस्था भी चलती है जिसमें मैं चलता हूँ, पढ़ाता हूँ और 12th का मैथ पढ़ाता हूँ। अगर दोस्तों अगर अच्छा लगता है यूट्यूब के माध्यम से आपको ये वीडियो, तो आप यूट्यूब पे मैं जो है डायरेक्टली प्रैक्टिस वीडियो बना डालता हूँ। और ये क्या है प्रैक्टिस, ये मतलब ये मैं आउट टाइम में आपको ये वीडियो बना देता हूँ। और दोस्तों अगर आपको अगर 12th का तैयारी या 11th का तैयारी करना हो या BSc का तैयारी करना हो, तो आप हमारे कोचिंग में आ सकते हैं और कोचिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आपको यूट्यूब पे मैं कुछ वीडियो का आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। और साथ में आपको ये बता दूँ कि इस वीडियो में मेरा ये क्वेश्चन है, इस वीडियो में मात्र 10 क्वेश्चन ही रहेगा, बाकी मैं आपको 21 क्वेश्चन आपको गेस किया हूँ जो कि मुझे अच्छा लगा है। और जो क्वेश्चन पूछ सकता है तो उसमें से आपको मैं धीरे धीरे सॉल्यूशन करके बताता हूँ। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ वो पिछले ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन सब है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वही क्वेश्चन कुछ ऐसा है जो रिपीट करता है, और वो मैं 10 साल का यानी 2012 से लेकर 2012-6-18 यानी कि 6 साल का है, तो यानी कि 6 साल के अंदर में जो क्वेश्चन पूछा गया वो सबको मैं आपको ये वीडियो में कलेक्ट किया हूँ, ठीक है। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीका से है, आप इस सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये सबको प्रूव करना है तो करिए आप, अगर कर सकते हैं तो सिंपल सी बात है, कर सकते हैं तो। और यहाँ पे इन सारे वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो क्वेश्चन को आप फैला दीजिए, जहाँ तक फैला दीजिए, दोस्तों को भेज व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए, ठीक है। और दोस्तों इसका सोल्यूशन मैं आपको देखता हूँ। चलिए इस तरीके से 10 क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन के बाद आगे जो 11 क्वेश्चन जो है, 11 से आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो देखिए 10 तक ले क्वेश्चन को आपको कैसे मैं सॉल्व करूंगा इसके माध्यम से आपको। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये था, तो 2 tan inverse में इतना है और फिर यहाँ पे इतना है, तो यहाँ पे इसका 2 tan inverse में x जो रहता है तो यहाँ पे होता है 10 और 2 x बट्टा 1 में 10 एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब प्लस में ये 10 inverse में x होगा, वो ये जो चीज था वैसा ही रहेगा। अब इसको छोटा करके ये एक्स बना दीजिए, ठीक है। तो ये सही छोटा करके ये बना दिया है एक्स, और इसको छोटा करेंगे तो इतना बनेगा 2/3, और यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर जो होगा वो 9 हो जाएगा, ठीक है, वह 1/9 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 9 से इसको 1 से मल्टीप्लाई और 9 में से 1 गया, ठीक है। तो 9 - 1 बट्टे में क्या आएगा, तो 9 आएगा, और नीचे ऊपर में है 2/3, और प्लस में 10 inverse में 1/7 है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, इसके बाद देखिए ये है कि क्वेश्चन नंबर ये है कि इतना आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसको छोटा करने पर ये मान लीजिए कि ये पूरा का सॉल्व किया तो ये एक्स मान लिए और ये हो गया वाई। तो 10 inverse में एक्स रहता है, 10 inverse वाई रहता है, तो 2 tan inverse में यानी कि ये जो है आगे देखिए 10 inverse में हो गया, तो वह एक्स बट्टा यानी दोनों को जोड़ेंगे और बट्टा में 1 में एक्स वाई को गुना करके लिखते हैं, यही चीज हो गया। क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा 10 inverse में x और प्लस में 10 inverse में y रहता है, ठीक है। तो ये होता है आपका कि 10 inverse में x प्लस में y अबट्टा 1 में एक्स वाई, ये फॉर्मूला आपको मालूम होगा। तो सेम इसी फॉर्मूला पे यहाँ पे बैठा दिया है, तो ये आ गया 25/25 यानी 10 inverse में 1/1 आएगा, 25 25 कट जाएगा तो 1 बचेगा, तो 10 inverse 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। RHS क्लियर हो गया आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें। देखिए क्वेश्चन ये है आपका, कह रहा है कि cot है, ठीक है, cot inverse में 3 है और cosec inverse में √5 है, ठीक है। तो इसका बराबर पाई लाना है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, cot inverse में 3 है और प्लस में cosec स्क्वायर इतना है, तो आप इसको 10 में बदलेंगे तो सीधा 1/3 आ जाएगा, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला मालूम होगा, ठीक है। क्या मालूम है आपको फॉर्मूला, देखिए 10 inverse में आपका अगर x रहता है तो बराबर में क्या लिखते हैं, cot inverse में 1/x लिखते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसा ही लगाना है, या तो साइन अगर इन्वर्स में अगर x रहता है अब बराबर में हो जाएगा, तो cosec inverse में साइन का उल्टा cosec होता है, तो cosec inverse में x होता है 1/x, ठीक है, ऐसे होता है। तो ऐसे इस तरीके से यहाँ पे किया है, ठीक है, यहाँ पे वही किए हैं, और फिर cosec का साइन बनाने के, और फिर यहाँ पे देखिए साइन से आप cos, साइन से आप क्या बनाएंगे, तो 10 बनाएंगे, और ये भी 10 में, ये भी 10 में, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आप देखिए
ये अगर मानना है साइन वर्स एक्स 1/√5 है, इसको एक्स मान लेंगे, अगर सॉल्व कैसे आया वो दिखा रहे हैं तो मैं आपको इस तरीके से दिखाया, ठीक है। तो देखिए साइन का मान क्या हो जाएगा, साइन का मान हो गया आपका 1/√5, तो इसीलिए यहाँ पे टेन एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो 1/2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है साइन का मान पी बट्टा एच होता है, तो एच का मान हो गया आपका कितना, यानी कि अगर बी पी मालूम है बी एच मालूम है तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एच माइनस माइनस में √5 है, √5 का स्क्वायर क्या आएगा, तो 5 आएगा, और यहाँ पे पी का मान कितना है, तो ऊपर में 1 है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, 5 में से 1 घटाएंगे और रूट में लिखेंगे, बी बराबर इतना निकालेंगे, बी बराबर निकालेंगे तो ये लिखेंगे, तो इसको आप देखिए रूट में 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, और 4 से बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आ गया कितना, ये हो गया टेन इनवर्स में, देख रहे हैं टेन इनवर्स में हो गया 5/5 आ जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको तो, और यहाँ पे इसको छोटा करेंगे तो ये 5/5 आ गया, तो टेन इनवर्स में 1/1 आ गया, और ये हो गया 10π/4 का मान हो जाता है, यानी π/4 का मान होता है, टेन इनवर्स में 1 आता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर था, तो थर्ड का देखिए, ये क्वेश्चन थर्ड है कि ए का वैल्यू इतना दिया है, तो आपको पूछ रहा है कि यानी कि ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बोला है, और फिर यहाँ पे माइनस में 5a और प्लस में क्या लिखा है, माइनस में 14i लिखा है, ठीक है, इसका वैल्यू इक्वल टू 0 लाना है आपको। तो सबसे पहले हमें इतना दिया हुआ है, तो ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो हमें आसान हो जाएगा क्वेश्चन, और फिर यहाँ पे a का मान तो हमको मालूम है, दे देंगे उसको, फिर 14 है, और i का मान तो आपको मालूम ही होगा, i का मान क्या होता है, 2 ऑर्डर में चल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 होगा, 0 होगा, 0 1, ऐसे होता है i का मान, और a का मान ए स्क्वायर निकाले हैं तो कैसे निकलता है, देखिए फर्स्ट रो है, जो रो को हम कॉलम के साथ गुना करते हैं, ठीक है, तो रो को जो गुना करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 को गुना करेंगे इस 3 के साथ, और फिर यहाँ पे जोड़ करते हैं, ठीक है, जोड़ देते हैं इस 5 को गुना करेंगे इस 3 4 के साथ, ठीक है, इस 5 को 4 से गुना करके तब यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक, बीच में हम प्लस लिख दिए, ठीक है, इतना हो गया, तो यहाँ पे वही किए हैं तो देख लीजिए, और फिर यहाँ पे इसको गुना, इसी को गुना करेंगे इसके साथ, अब इसको गुना कर इसके साथ, और इसको गुना करेंगे इसके साथ, ये जो 5 है इसको 2 से गुना करेंगे, तो इस तरह से हमारा ये बना है। तो अब देखिए यहाँ पे ये है 3, और गुना करेंगे तो 9 20 आएगा, और यहाँ पे -12 और -8 आएगा, माइनस में 15 10 आएगा, और 20 4 आएगा। तो देखिए आगे क्या करना है, तो ए स्क्वायर हमारा पता चल गया इतना, अब LHS में क्या है, तो LHS में आपको ये दिया हुआ है, तो इतना बराबर हमको 0 लाना है, तो LHS को मान लिए 0, हमको प्रूफ कर देंगे लास्ट में 0 ला देंगे तो हो जाएगा RHS। तो यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर का मान हो गया, और ये 5 × a का मान क्या है, तो a का मान इतना था, और ये 14 × i, तो i का मान डबल डिग्री में ऐसा ही होगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे क्या आ जाता है, 29i इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा, फिर घटा दीजिए, तो पहले क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा, और फिर ये जो है जो चीज है ये वो सही रहेगा, और वही इसको में से अब इसको घटाएंगे तो देखिए ये डाटा सेम है और ये भी सेम है, सब डाटा क्या हो रहा है, सेम आ रहा है, तो सेम डाटा को अगर घटाते हैं तो 0 हो जाता है, तो हर जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर, तो RHS हो गया 0, तो RHS प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर है, देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है कि ए का डिटरमिनेंट इतना दिया हुआ है, ठीक है, ए का डिटरमिनेंट जो है इतना दिया हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे R3 टेंडिंग टू, यहाँ पे देखिए इसमें जो है ये रो को और इस रो को 0 बना दीजिए, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, और इससे पहले क्या है कि हम इसको गुना कर देते हैं अंदर तो बढ़िया रहेगा, तो यहाँ पे गुना करें तो इतना बनेगा, ये इतना बनेगा, ये इतना बनेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए R3 टेंडिंग टू इतना हो गया, R3 आप प्लस में R2 जोड़ देंगे, ठीक है, रो इसमें जो देख रहे हैं ये थर्ड कॉलम, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे C3 होता है, ठीक है, C3 होगा, यहाँ पे गलती हो गया मिस्टेक से, तो यहाँ पे C3 बराबर क्या होगा, C3, ठीक है, अब प्लस में हो जाएगा C2, ठीक है, ये इतना आएगा। अब ये वाला कंडीशन लगा देंगे, ये कंडीशन जो पहले जो है वो गलत है, ठीक है, ये वाला चीज़ यानी कि गलत है, ये गलत है, तो यहाँ पे लगाएंगे क्या चीज़, C3 टेंडिंग टू C3 प्लस में आप C2 को जोड़ देंगे, ठीक है,
तो इसने देखिए अब जोड़ेंगे तो ये बी सी जो है ये बी सी इसमें जुड़ जाएगा। पहले तो इतना ही था, ठीक है, पहले ए बी और सी ए था, लास्ट में ये जुड़ गया है ये वाला बी सी, तो इतना बन गया। अब फिर जोड़ के इतना आ गया तो सब जगह क्या हो जाएगा, ए बी सी कॉमन हो जाएगा, यानी ये चीज़ जो है पूरा अब ए बी प्लस बी सी प्लस में सी ए हो जाएगा। तो जो कि यहाँ पे कॉमन ले लिए और बीच में बच गया, अब यानी कि डिटरमिनेंट के अंदर बचा तो ये वन 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 और बी सी और सी ए और ए बी बचेगा और वन 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 आएगा। तो अब बताइए डिटरमिनेंट के अंदर अगर सी वन और सी टू बराबर है, सी थ्री बराबर है, ठीक है, सी वन और सी थ्री बराबर है, तो अगर यहाँ पे दो रो या तो कॉलम अगर बराबर हो जाता है या इक्वल हो जाता है तो उसको हम जीरो उसको डिटरमिनेंट लिखते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यही हो गया हमारा आरएचएस, हमको यही आपको प्रूव करना था, नहीं इसका वैल्यू निकालना था, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक, तो यहाँ पे आंसर निकालना था इसलिए। चलिए यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पाँच नंबर, तो यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट है, यहाँ पे देखिए ई डिटरमिनेंट में आपको निकालना है कि कॉमन फैक्टर पहले निकाले, सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो कॉमन है क्या चीज़, एक्स को कॉमन है इस रो में देख रहे हैं, फर्स्ट रो में आपको एक्स वन कॉमन है, फिर यहाँ पे वाई कॉमन है एक्स टू में सेकेंड रो में, ठीक है, और फिर यहाँ पे थर्ड रो में आपको जेड कॉमन है, तो इस तरह से एक्स वाई जेड कॉमन ले लेंगे तो इतना आ गया, और फिर यहाँ पे वन वन आ गया, तो ऐसा करेंगे वन वन आ गया तो इसमें क्या करेंगे कि आर टू टेंडिंग टू आर टू माइनस में आर वन करते हैं, और ये वो और है कि आर थ्री टेंडिंग टू आर थ्री माइनस में आर वन कर देंगे, तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे लिखा है मैंने, तो इसको हम अप्लाई करेंगे, तो ये अप्लाई करने के बाद इतना आ जाएगा, और यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो आपको ये इस तरह से दिखाई देगा, अब ये इतना दिखा देगा, तो आप देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस में क्या है एक्स स्क्वायर, तो वाई प्लस में एक्स लिखेंगे और वाई माइनस में एक्स लिखेंगे, यहाँ पे लिख चुके हैं, तो इसमें वाई माइनस में एक्स कॉमन है और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी वाई माइनस एक्स कॉमन है, ठीक है, तो यहाँ पे जेड माइनस एक्स कॉमन है और यहाँ पे भी जेड माइनस एक्स कॉमन है, तो ये आप कॉमन निकाल लीजिए, तो ये दो गो चीज़ निकल गया, ठीक है, ये दो गो चीज़ जो है वो निकल गया है। अब यहाँ बची है इस तरह से, तो अब यहाँ पे देखिए तो ये अब देखिए इसका जो है वन के रिस्पेक्ट में आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे वन दिखता होगा, ठीक है, तो यहाँ पे वन के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये ऐसे गुना हो जाता है और फिर ये इसको गुना हो जाता है, तो यहाँ पे गुना करके लिखेंगे तो ये इतना हो जाएगा वन के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एक्स जेड प्लस में एक्स और माइनस में हो जाएगा कितना, तो वाई प्लस में एक्स है, इसको वन वन से गुना करेंगे तो इतना आएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये जेड जेड माइनस में एक्स आएगा, अब इसको उल्टा कर देंगे यानी कि y माइनस जेड करेंगे तो यहाँ पे x माइनस वाई यहाँ पे भी हो जाएगा, उल्टा यहाँ पे भी हो जाएगा, तो ये दोनों को उल्टा कर देंगे तो इतना आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि सिक्स में कह रहा है कि y बराबर, मैंने इसको सही कर चुका हूँ, देखिए यहाँ पे है क्या चीज, ये सवाल x प्लस वाई बराबर सेक इनवर्स में x माइनस वाई है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे कि सेक इनवर्स में सेक x प्लस वाई ले लेंगे, क्योंकि ये x प्लस x माइनस वाई जो है उसको बाहर कर दीजिए और सेक x माइनस में y यहाँ बाहर कर दिए, तो ऐसे देखिए तो इसका आप दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक स्क्वायर सेक x प्लस वाई है तो ये हो जाएगा सेक और टेन हो जाता है, दोनों होता है, और फिर इसका x प्लस वाई है तो x y को क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो x का डिफ्रेंशिएशन करना डी एक्स बटा डी एक्स लिखेंगे और ये देख रहे हैं यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स लिखेंगे, तो इस तरह से हमारा सॉल्व करेंगे, और इस साइड जो है x माइनस में y था उसका डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बटा डी एक्स तो वन आएगा और माइनस में क्या आएगा तो ये है डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स ही रहेगा, ठीक है, तो आगे देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका सेक इसको सेक एक्स प्लस वाई और टेन एक्स प्लस वाई और वन प्लस में डी वाई बटा डी एक्स और इक्वल टू वन माइनस में डी वाई बटा डी एक्स, और ये इतना है और फिर माइनस में इतना दिया है, ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स एक तरफ कर दीजिए और यहाँ पे बाकी जो है उसको अलग एक तरफ कीजिए, तो यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे तो हमारा ये इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है, दिख रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेवन नंबर है, ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये आंसर हो गया, अब y इक्वल टू इतना दिया है तो अब इसका डिफरेंशिएशन यानी कि डी वाई बटा डी एक्स निकालना है आपको, ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम इसको हाइपरप्लेन कर दिए यानी रेशनलाइज कर दिए। अब यहाँ पे क्या करना है, रेशनलाइज करने के बाद हमारा क्या आएगा आंसर, यानी कि ये टू माइनस में यहाँ पे दिख रहा होगा ये टू माइनस में है, ठीक है, ये टू माइनस में टू अंडर रूट में वन माइनस में एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो टू माइनस में टू अंडर रूट वन माइनस में एक्स स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे बट्टा में टू एक्स है। तो अब यहाँ पे इसको भी दो कॉमन लेंगे ऊपर नीचा, यहाँ पे देख रहे हैं दो कॉमन लेंगे तो दो कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ये इस तरह से बचेगा, ठीक है, ये इतना बच गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा है, तो यहाँ पे देखिए कॉस को हम बदल सकते हैं, इसको वन माइनस में साइन स्क्वायर है तो इसको कॉस में बदल दिया, ये वाला चीज को यहाँ पे दिखा है वो, तो यहाँ कॉस बन गया, अब नीचे में साइन है। अब इसको छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे जो कि वन माइनस में कॉस थीटा जो होता है वन माइनस में कॉस यानी कि कॉस टू थीटा रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है टू कॉस नहीं टू नहीं होता है कॉस स्क्वायर हो जाता है, हाँ टू भी होगा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बट्टा में अगर टू नहीं है तो यहाँ पे टू होगा गुना में, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हो गया कितना, तो ये हो जाएगा टू साइन, अब यहाँ पे बीच में माइनस रहता है, सॉरी यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ प्लस होगा तब ये फॉर्मूला होगा, तो यहाँ पे वन माइनस में है कॉस, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा तो टू हो जाएगा और यहाँ पे साइन इनवर्स में हो जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो इस तरीके से हमारा ये इतना आएगा। अब फिर इसको कॉस साइन एक्स जो है वो साइन एक्स का आप मालूम होगा साइन एक्स बराबर हम लिख सकते हैं टू साइन एक्स बाय टू, ठीक है, और कॉस एक्स बाय टू लिख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पे हो गया इतना, अब फिर यहाँ पे टेन वर्स में हो जाएगा कितना, टेन वर्स एक्स बट्टा कॉस साइन साइन वर्स एक्स बट्टा साइन एक्स बट्टा कॉस एक्स, तो टेन एक्स बटा टू आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन वर्स टेन एक्स बाय टू रहेगा तो सीधा एक्स बाय टू लिखेंगे। अब डी वाई बटा डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स वन बाय टू आएगा बाहर, एक्स का डिफरेंशियल आएगा कितना, तो वन एक्स का डिफरेंशियल एक्स गायब हो जाएगा तो वन बाय टू आ जाएगा फाइनल आंसर, इसलिए यहाँ पे दिख रहा है आपको वन बाय टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एट नंबर है। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिए हमारे इस वीडियो को और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करें। और साथ में आपको ये बता दूं कि कमेंट करना आपको जरूरी है, क्योंकि अच्छा कैसा आप लग आपको कैसा वीडियो चाहिए वो आपको जरूर कमेंट करेंगे वीडियो में, ऐसा आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियो आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा वीडियो नहीं लगता है तो मैं दूसरी तरीके से बनाऊंगा आपको, तो यहाँ पे देखिए दूसरी तरीके से वीडियो बना के आपको मैं प्रोवाइड करता रहूँगा। और दोस्तों नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इतना दिया हुआ है वाई बराबर साइन है और कॉस है और टेन है और कॉट भी है, तो यहाँ पे देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो यहाँ पे डी वाई बटा डी एक्स यानी कि यू वी डब्ल्यू और एक्स यू वी डब्ल्यू और डब्ल्यू तक माने हैं, ठीक है, इसको टी माने हैं तब यू माने हैं तब यहाँ भी तब यहाँ पे डब्ल्यू माने हैं, तो चार गो चीज़ माने हैं ऐसा तब हमको बना है, ठीक है, यहाँ पे चार चीज़ माने हैं, तब इस तरीके से आप चेन रूल लगा दीजिए, चेन रूल लगा के आप डिफरेंशिएशन कीजिए तो आपका इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नाइन नंबर क्वेश्चन ये है आपका, नाइन नंबर ई के पावर एक्स है और यहाँ पे कॉस एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, इतना दिख रहे हैं आप यहाँ पे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू इंटू वी पे करना पड़ेगा, तो यू को डिफरेंशिएशन यू किसको मानेंगे तो कॉस को मानेंगे यू, ठीक है, वहाँ पे लिखा हुआ है देख रहे हैं यहाँ पे यू है और यहाँ पे भी है, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल आपको पता होगा, आप कैसे पता करेंगे कि पहले क्या मानेंगे, तो आई लेट आपको याद होगा आई लेट, ठीक है, आपको आई लेट में जो पहले आता है यानी कि आई का मतलब होता है क्या चीज़, इनवर्स फंक्शन, ठीक है, इनवर्स फंक्शन होता है, और फिर एल का मतलब क्या होता है, लॉगरिथम फंक्शन होता है, एल का मतलब होता है लॉगरिथम, और ए का मतलब होता है अलजेब्रा, और यहाँ पे देखिए इनवर्स फंक्शन मतलब होता है साइन इनवर्स, ठीक है, या कॉस इनवर्स या टेन इनवर्स जो भी होता है, और यहाँ पे लॉग का मतलब होता है लॉग में हो जाएगा, लॉग एक्स हो या लॉग एक्स स्क्वायर हो या लॉग एक्स थ्री हो, इस तरीके से होता है, और फिर ए का मतलब होता है अलजेब्रा, ठीक है, अलजेब्रा होगा, अलजेब्रा में आपको एक्स स्क्वायर हो या फाइव एक्स फाइव हो या तो थ्री एक्स हो, ये इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे टी ई है तो टी ई को समझाते हैं हम, तो टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और यहाँ पे ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल,
जो एक्सपोनेंशियल होता है इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री आप हम जानते होंगे, साइन कॉस टैन जो होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टैन होता है, और कॉसेक होता है, सेक होता है, छह को फॉर्मूला होता है ठीक है। और यहाँ पे कॉसेक होता है, सेक कॉसेक ये सब होता है। और एक्सपोनेंशियल जो होता है ई के पावर में एक्स होता है, या तो ई के पावर में 5x होता है, इस तरह से जो होता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन पे थे, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इस तरह से है। तो यहाँ पे कॉस एक्स और कॉस को ये छोड़ देंगे, और यहाँ पे भी को इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर यहाँ पे यू का डिफ्रेंशिएशन, भी का इंटीग्रेशन, और जो बचेगा उस सब का इंटीग्रेशन ठीक है, समझ गए। तो पहला डिफ्रेंशिएशन होगा, पहला को छोड़ देंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन, और फिर माइनस में हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर, ये पहला का डिफ्रेंशिएशन और दूसरा का इंटीग्रेशन, और जो बचेगा वो सब का इंटीग्रेशन ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करके इतना आएगा ठीक है, कॉस का साइन आ जाएगा माइनस में, और ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स सही आएगा। तो यहाँ पे फिर साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे यू इंटू वी पे, साइन और ई के पावर एक्स है, तो इसको यू इंटू वी पे करेंगे तो इतना आएगा, और फिर इसको इतना आएगा ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस आएगा, तो इतना आ गया। अब ये जो चीज़ दिख रहा है वो आपको क्वेश्चन में ही दिया था, यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में ही है, तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस आई जो इस साइड है, तो इस साइड से आई इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2i बराबर क्या हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा ठीक है। अब इसको i बराबर है इतना, तो अब यहाँ पे ये दो जो है दो से डिवाइड कर देंगे, तो इतना आ जाएगा e के पावर 1/2, और e के पावर एक्स और कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं, 10 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आपको आगे के क्वेश्चन जो है आपको मैं बताऊंगा, और आपको कुछ वेट करना होगा क्योंकि आपको आज वीडियो इसमें मात्र 10 तक ही बनाएंगे। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इतना दिया है 0 से लेकर पाई बाई 2 तक दिया है, और लॉग में है साइन एक्स और डी एक्स दिया है, और फिर आई बराबर कितना है ये दिया है लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस में क्या है एक्स है, और ये डी एक्स है 0 से लेकर पाई बाई 2 है। अब यहाँ पे लॉग कॉस एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर में यहाँ पे लॉग कॉस एक्स है ठीक है, लॉग क्या है कॉस एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए ठीक है, हमको इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं कॉस को, यहाँ पे अब कॉस हो गया, ये दोनों समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए हैं ठीक है, दोनों समीकरण को जोड़, तो यहाँ पे आई है ये भी आई है, तो दोनों आई को जोड़े तो 2i हो गया, और इसका जोड़ेंगे ये दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरह से हमको लिखेंगे लिखना होगा। और लॉग में अगर a प्लस में लॉग b रहता है तो उसको गुना में लिख सकते हैं ठीक है, तो वैसा ही लिखे हैं गुना में, तो गुना में लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो लॉग में आता साइन एक्स आता और कॉस एक्स आता ठीक है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दें, 2 से भाग कर दिए हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 यहाँ पे है और यहाँ पे 2 नीचे में है ठीक है। तो इसको अब लिखेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो दिख रहा है 2 sin x cos x ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा sin 2x का फॉर्मूला हो जाएगा, अब बट्टा में क्या हो जाएगा माइनस में, देखिए बट्टा में हो जाएगा आपका, जो अगर डिवाइड में रहता है नीचे में लॉग क्या था sin 2x आएगा ठीक है, sin 2x और बट्टा में 2 आएगा, तो इसको लॉग में अगर बट्टा में रहता है डिवाइड में हो जाता है ठीक है, तो लॉग में sin 2x हो जाएगा, अब माइनस में हो जाएगा क्या चीज़, तो लॉग हो जाएगा 2 ठीक। तो इतना आ गया, अब यहाँ पे देखिए तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा, अब फिर इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आएगा sin 2x ठीक है, और फिर यहाँ पे लॉग में हो जाएगा sin 2x माइनस में 1, क्योंकि आपका लॉग का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको ये मालूम नहीं होगा, तो ये मालूम नहीं है, तो ये देख लीजिए इसका इंटीग्रेशन ये होता है, ये लॉग एक्स है तो लॉग एक्स पहले क्या हो जाएगा कॉमन, और फिर एक्स माइनस में 1 होता है, इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी लगा दीजिए, तो ये होता है आपका इंटीग्रेशन एक्स का मान होता है ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे लॉग होगा ठीक है, लॉग एक्स है तो लॉग एक्स ठीक है, मतलब यहाँ पे लॉग एक्स इंटू में एक्स माइनस में 1 आएगा, प्लस में इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी आएगा ठीक। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, इसी फॉर्मूला पे आपको यहाँ पे सॉल्व किए हैं, और यहाँ पे इसका भी 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, कांस्टेंट तो कॉमन हो जाएगा पहले, और एक्स का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आएगा बगल में, तो एक्स का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पुट किए हैं एक्स का वैल्यू जो कितना है लॉग 2 इतना है, और इधर का जो पुट करेंगे ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 होने के लिए अब 0 हो गया, तो यहाँ पे देख रहे हैं 0 हम पुट किए हैं,
और ये इतना आ गया, तो अब हमारा आर एच एस वैल्यू इतना ही आएगा, तो यही हो गया हमारा आर एच एस। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यही हमारा आर एच एस हो जाएगा, लिख सकते हैं आर एच एस हो जाएगा। और यहाँ पे आर एच एस में ही प्रूफ करना था, क्योंकि एल एच एस बराबर आर एच एस लाना था। ठीक है, तो इस तरह से आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रहेगा। और दोस्तों कैसा रहा हमारा वीडियो, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, आप नया नया वीडियो आपको बनेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अभी कर दीजिए, ठीक है, ताकि नया वीडियो जब भी आपको यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन